हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका डिजिटल गेमिंग के इस नए यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक चिकन डिनर दिखाने वाला हूँ। इस गेम में पर्टिकुलरली हमें चार फ्लेयर गन मिली थी। हाँ, हमारी स्क्वाड को जो चार बंदे की स्क्वाड है, यहाँ पे हमें इन टोटल चार फ्लेयर गन मिली थी, उसे हमने यूज़ किया। और यहाँ पर आपको मैं एक एक करके सारे क्रेट्स दिखाऊँगा। तो आइए चलते हैं इस गेम के अंदर और लेकर आते और एक चिकन डिनर गाइस। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास एक किली सूट ऑलरेडी है, एक AWM है और एक M249 भी है। यहाँ पे एक ड्रॉप आ रहा है, एक ड्रॉप जैसे आपने देखा पीछे ऑलरेडी नीचे ड्रॉप हो चुका है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक ऑग है और वापस से और एक AWM है। तो हमारे पास AWM और M249 थी, तो हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, ये दो चीज़ें बहुत है। यस, दिस इज़ इनफ लूट। अभी हमें मेरे ख्याल से कुछ गन को स्वाइप करने की कोई और गन को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों ही गन बहुत बढ़िया है। तो अभी तक ये थे दो क्रेट्स, और एक जो क्रेट है ऑलरेडी लैंड हो चुका है। आप जो येलो फ्लेम्स यहाँ पे देख सकते हो, जो येलो फ्लेम होती है वो पर्टिकुलरली फ्लेयर गन से ही निकलती है। तो यहाँ पे हमने चार फ्लेयर गन यूज़ की थी। यहाँ पे और एक क्रेट यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है, जो हमारा फोर्थ क्रेट है। यहाँ पे गाइस और एक गिली सूट हमें मिला, देखिए हमारे टीममेट ने ले लिया। और एक गिली सूट यहाँ पे भी AWM थी, और एक ऑग A3 गन यहाँ पे भी थी। सो बहुत ही बढ़िया लूट अभी तक हमें मिल गई, से हमें पूरी स्क्वाड को बहुत ही बढ़िया लूट मिल गई है। तो यहाँ पे और एक जो क्रेट था थर्ड नंबर वाला, वो पीछे है, उसे भी हम एक बार जाके चेकआउट कर लेते कि उस क्रेट में क्या लूट है। बहुत ही बढ़िया ही लूट होगी मेरे ख्याल से। हमारे टीममेट ने ऑलरेडी लूट कर दिया वहाँ पे, और MK14 थी। बट एज मैंने बोला कि हमें कोई और गन की ज़रूरत नहीं, हमारे पास AWM है जो सबसे बेस्ट स्नाइपर राइफल है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। और हमारे पास M249 है गाइस, जो 100 राउंड फायर करती है कंटिन्यूस, बहुत ही ज़्यादा फायरिंग स्पीड है। तो हमें अभी फ़िलहाल कोई और गन की ज़रूरत तो नहीं है। तो गाइस, हमने मेरे ख्याल से अभी तक चारों के चारों क्रेट को देख लिया है। ये चारों के चारों क्रेट हमने फ्लेयर गन से लिए थे, हमें बहुत ही बढ़िया लूट मिल गई है, पूरी स्क्वाड को ही बहुत ही बढ़िया लूट मिल गई है। तो अब आइए चलते हैं गेम के अंदर, और अब मैं आपको एक ब्रिज ब्लॉक दिखाऊंगा। तो चलिए सीधा चलते हैं उस ब्रिज के ऊपर। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम उस ब्रिज के ऊपर आ गए, हमने ब्रिज ब्लॉक किया है। आप देख सकते हो, अगर आप भी कभी ब्रिज ब्लॉक कर रहे हो पूरे स्क्वाड के साथ, तो सब एक एक का ले लीजिए। और जैसे हमने यहाँ पे खड़ी रखी है, पूरे ब्रिज को ब्लॉक कर दीजिए, जो पूरा रास्ता है पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दीजिए। यहाँ पे हमें और एक क्रेट दिख रहा है, जो फ्लेयर गन वाला नहीं, वो जो सिंपल वाला क्रेट है रेड वाला, जो रेड जिसमें से रेड स्मोक निकलता है। सो और एक क्रेट हमें यहाँ पे मिला गाइस, और यह ब्रिज ब्लॉक था। बट अनफॉर्चुनेटली कोई किसी ने भी ब्रिज को क्रॉस नहीं किया, और हमें कोई भी यहाँ पे किल नहीं मिल पाया ब्रिज ब्लॉक के। तो यहाँ पे हमारा काफ़ी सारा टाइम पास हो गया, क्योंकि मैं चाहता था कि बंदे ब्रिज को क्रॉस करें, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी ब्रिज को क्रॉस नहीं किया और हमें किल्स नहीं मिल पाई। तो भी कोई बात नहीं गाइस, ये जैसे यहाँ पे हमारी स्क्वाड ने ब्रिज ब्लॉक किया था, पूरे रोड को ब्लॉक कर दीजिए, दो तीन बंदे ब्रिज के ऊपर चले जाए, दो तीन बंदे कवर ले लीजिए, और जैसे ही कोई आता है कार लेके उन्हें आप मार दीजिए। तो ऐसे ही आप भी ब्रिज ब्लॉक कीजिएगा, यहाँ पे किल्स नहीं मिली, सॉरी फॉर दैट। और अभी हम आगे चलते हैं फाइनल 10 में, जब लास्ट के 10 बंदे अलाए हो तो वहाँ पे चलते हैं। बहुत ही इंटेंस एंडिंग था, और उसे आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम फाइनल 11 में है, लास्ट के 11 बंदे अलाए। और जैसे मैंने बोला, AWM बहुत ही बढ़िया स्नाइपर है, हमने एक हेडशॉट मारा, एक बंदे को आसानी से नॉकआउट कर लिया। यहाँ पे हमारे बंदे ने भी किसी को देखा, उसने भी एनिमीज अहेड किया। देखिए, हमने जिस बंदे को नॉक किया था वो अभी जोन के वजह से मर जाएगा, और हमें और एक किल यहाँ पे मिल गई। सो यस गाइस, अभी भी हम सेफ जोन के अंदर है मेरे ख्याल से। यहाँ पे कॉर्नर में जाएंगे बिल्डिंग के, तो सेफ जोन के अंदर आ जाएंगे। गनशॉट्स हमें सुनाई दे रहे, बट बंदे अभी हमें नहीं दिख रहे, तो भी हम वेट करेंगे। और हाँ गाइस, हम चिकन डिनर लेके आएंगे, सो वेट फॉर इट, वेट फॉर द चिकन डिनर। बहुत ही बढ़िया चिकन डिनर आने वाला है, बहुत ही इंटेंस एंडिंग थी, और ये एंडिंग आपको दिखाएगी परफेक्ट टीम वर्क। ऑलराइट, सो अभी भी 8-7 बंदे अलाइव है, तो हमारी स्क्वाड है मेरे ख्याल से और एक स्क्वाड अलाइव है, यानी कि 2 स्क्वाड अलाइव है। गनशॉट्स हमें सुनाई दे रहे, बहुत सारे गनशॉट्स यहाँ पे, और हमारे टीममेट यहाँ पे नॉकआउट हो गया। सो गाइस, यहाँ पे हमारा टीममेट नॉक हो गया। अगर आपको भी कोई विंडो से फायरिंग हो रही है आपके टीम के ऊपर या फिर आपके ऊपर, तो मैंने जैसे यहाँ पे प्रोन हो गया, वैसे आप भी प्रोन हो जाइए, क्योंकि आपको क्या है, आपको व्यू मिल जाता है, तो आपको बंदे दिख जाते पर बंदों को आप नहीं दिख पाते। तो अगर आपको विंडो से फायरिंग हो रही है, तो दो विंडो के बीच या फिर विंडो के साइड में आप हो जाए, या फिर प्रोन हो जाए, वरना आपको भी जैसे मुझे यहाँ पे मारा, वैसे आपको भी मार पड़ेगी, आपको भी बुलेट पड़ेगी।
तो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक फेबुलस टीम वर्क का एग्जांपल देने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे जाऊँगा, मैं आगे चार्ज करूँगा ताकि मुझे एक बार पता चल जाए एनिमीज के लोकेशन के बारे में, और फिर मेरे जो टीममेट्स हैं वो पीछे से आएंगे तो भले मैं नॉकआउट हो जाऊँ, तो भले मैं किल हो जाता हूँ, बट मेरे टीममेट्स को पता चल जाएगा कि उनको जाना कहाँ है। एक बहुत ही बढ़िया उनके माइंड में एक सेट हो जाएगा, मेरे टीममेट्स को पता होगा कि बंदे है का। तो मैंने यहाँ पे चार्ज करने का यहाँ पे फैसला किया ताकि मेरे टीममेट्स को पता चले कि बंदे है का। तो एक बंदे को नॉकआउट किया, एक ही बंदा अलाइव है जो इसने मुझे नॉकआउट कर दिया। तो अभी उनको सिर्फ एक ही बंदे को मारना है, और गाइस 4 vs 1 ऑफ कोर्स चिकन डिनर हमारे होगा, हमारे तो यहाँ पे किल हो गया। बट जैसे जिसे जिस बंदे ने हमें मारा था, मुझे मारा था, हमारे टीममेट्स ने उसे रिलेटिव बहुत ही इजी से मार दिया। तो गाइस आप भी ऐसा डिसाइड कभी कर सकते हो कि अगर आपके सारे टीममेट्स चलाए हो तो आप भी मेरे जैसा कर सकते हो। आप आगे जाओ, एक टीममेट को, एक एनिमी को मार दो, एक फिर उसका एक ही टीममेट रहेगा, यहाँ पे 4 vs 1 ही बचा था। और गाइस ऑफकोर्स चिकन डिनर हमारा आ गया। तो ये था गाइस 4 फ्लेयर गन, हमारे पास 2 गिली सूट, बहुत ही सारी AWM, बहुत ही सारी अच्छी सी गन्स थी हमारे पास, और ऑफकोर्स उसी वजह से चिकन डिनर हमारा यहाँ पे आ गया। ब्रिज ब्लॉक करने का हमने डिसाइड किया जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम पास हो गया, और हमें बहुत जितनी किल हमें मिलनी चाहिए उतनी किल्स नहीं मिली। सो यही था आज का वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा ही पसंद आ गया हो गाइस देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑफ कोर्स गाइस इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देने का, और यहाँ पे आप मेरी सर्वर रैंकिंग देख सकते हो, 43,000 है इसमें एशिया में। सो थैंक यू गाइस अगेन फॉर वॉचिंग।